सागर जिले के कलाकार ने गणेश भगवान की अनोखी प्रतिमा तैयार की है। यहाँ बीना के रहने वाले अशोक साहू ने 50 किलो सूखे बेर से भगवान गणेश की प्रतिमा को तैयार किया है। इसके पीछे उनका उद्देश्य जल प्रदूषण से बचाव करना है। उनका मानना है कि इस तरह की मूर्ति जब नदी में विसर्जित की जाती है तो जीव जंतुओं को खाना मिलता है और पानी भी प्रदूषित नहीं होता है। गणेश भगवान के ये अनोखे भक्त 71 साल के हैं। उनका जन्म गणेश चतुर्थी को हुआ था। बचपन से ही उनमें गणेश जी के प्रति भरपूर आस्था रही है। उन्होंने धीरे धीरे प्रतिमा बनाना सीखा था। सबसे पहले उन्होंने साल 1984 में गणेश भगवान की प्रतिमा तैयार की थी। आइए जानते हैं इस तरह की अनोखी प्रतिमा बनाने वाले अशोक साहू ने क्या कहा। हमारी प्रतिमाएं पर्यावरण को शुद्ध करने के हिसाब से बनाते हैं और हम जो चीज की बनाते हैं उससे जीव जंतुओं का भी आहार हो जाता है। और हम 1984 से बना रहे, हमारी यह 36वीं प्रतिमा है जिसके बेर से बनाई जा रही है। और जो गुठलियों की हम जिस चीज की प्रतिमा बनाते हैं उसमें और कोई भी ने कलर ने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इसमें हमने मुकुट बनाया तो वो बेर की गुठलियों से बनाया है, कोई भी हम कलर का इस्तेमाल नहीं करते। और हमारा उपदेश है कि पर्यावरण साफ रहे। 2 महीने के अथक परिश्रम से गणेश भगवान की ये प्रतिमा तैयार की गई थी। उन्होंने बेर खरीद कर उन्हें सुखाना शुरू किया। पूरी मूर्ति में उन्होंने एक एक बेर बड़ी शिद्दत से जोड़ा है और उसे चिपका चिपका कर 6 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा को तैयार किया है। इससे पहले अशोक साहू मूंगफली, नमकीन, बूंदी और दाल के अलावा अन्य खाने की चीज से भी गणेश प्रतिमा बना चुके हैं। अब उनकी इस प्रतिमा को देखने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सागर, मध्य प्रदेश, ईटीवी, भारत।